everyone, my name is Vijayashree and welcome to the tutorial of electrical power generation. Previous tutorial में हमने देखा था safety at design stage, okay. आज हम देखने वाले हैं safety at the construction and operational stages, okay. ये हम देखने वाले हैं, उसके साथ साथ हम जो देखेंगे safety at the construction and operation stages के बाद हम ये जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो टॉपिक है खत्म हो जाएगा, ओके. जो चैप्टर है, जो यूनिट है, ठीक है, वो बेसिकली स्टीम पावर प्लांट का जो हमारा जो यूनिट चल रहा है वो खत्म हो जाएगा. तो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट, ओके. सो सेफ्टी एट द कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन स्टेज, लेट्स सी व्हाट इट इज. तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं. A nuclear power plant should be constructed away from human habitation, okay. Exclusion zone of 160 kilometer radius. यहाँ पे बोला गया है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है हमारा, न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसको जो लोकेट करेंगे, ठीक है, should be constructed away from human habitation. ओके. तो ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है ये अवे हमें लोकेट करना है ह्यूमन हैबिटेशन से दूर, मीन्स एक्सक्लूजन जोन यहाँ पे बताया गया है, एक्सक्लूजन जोन ऑफ 160 किलोमीटर रेडियस. 160 किलोमीटर का जो रेडियस होता है, ठीक है, उससे बाहर हमें बनाना है ये जो 160 किलोमीटर का जो रेडियस, फॉर एग्जांपल दिस इज 160 किलोमीटर रेडियस, ठीक है. तो इस दौरान आने वाला जो, इस रेडियस के अंदर आने वाला जो एरिया है, ठीक है, ये ह्यूमन हैबिटेशन से, इतना एरिया ह्यूमन हैबिटेशन से दूर होना चाहिए, ठीक है. इस एरिया से बाहर ह्यूमन हैबिटेशन हो सकता है, पर इस एरिया के अंदर ह्यूमन हैबिटेशन नहीं होना चाहिए, ओके. तो ये बात यहाँ पे बताई गई है बेसिकली, ओके. तो दिस वाज दी से फर्स्ट पॉइंट, ओके. सो सेकंड पॉइंट क्या कहता है ये देखते हैं, ओके. बिल्ड अ न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑन ग्राउंड दैट हैज लो एम्पलीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स, ग्राउंड मोशन, सफिशियंट बियरिंग रेजिस्टेंस एंड नो पॉसिबिलिटी ऑफ स्लाइडिंग और एडवर्स सब्सिडेंस. यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हम बिल्ड करेंगे वो ऐसे बिल्ड करना है कि जो ग्राउंड, फॉर एग्जांपल जो ग्राउंड है हमारा, ओके, जो ग्राउंड है उसका जो एम्पलीट्यूड है, मीन्स ये जो एम्पलीट्यूड है, ये दिस इज द एम्पलीट्यूड, ओके, सॉरी, लेट मी ट्राई इन अ करेक्ट वे, फॉर एग्जांपल, ओके, ये हो गया इसका एम्पलीट्यूड, ठीक है. तो इतना जो एरिया यहाँ पे बताया गया है ये हो गया इसका, इस क्वांटिटी का एम्पलीट्यूड. तो ये अर्थक्वेक्स की अगर बात करें हम लोग, ठीक है, तो जिस जगह पे ज़्यादा एम्पलीट्यूड है, ठीक है, अर्थक्वेक्स का, ऐसी जगह पे हमें हमारा प्लांट बिल्ड नहीं करना है. जिस जगह पे बहुत ही कम एम्पलीट्यूड है अर्थक्वेक्स का, उस जगह पे हमें हमारा प्लांट बिल्ड करना है फॉर दी सेफ्टी प्रिकॉशन, ओके. तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में क्या बताया गया है, जिस जगह पे हम प्लांट बिल्ड करेंगे उसका जो एम्पलीट्यूड होता है बहुत ही कम होना चाहिए, ओके. यहाँ पे बताया गया है कि जो अर्थक्वेक्स होते हैं उसका एम्पलीट्यूड तो कम होना चाहिए, ठीक है. आपकी ग्राउंड मोशन, सफिशियंट बेयरिंग रेजिस्टेंस एंड उसका जो रेजिस्टेंस होता है ग्राउंड का, ओके, उसका जो रेजिस्टेंस होता है ग्राउंड का, दैट शुड बी सफिशियंट बियरिंग रेजिस्टेंस, मींस कोई अर्थक्वेक आए तो उसको वो रेजिस्ट कर पाए, उसका उस अर्थक्वेक को वो सस्टेन कर पाए, उसका सफिशियंट बियरिंग रेजिस्टेंस होना चाहिए. ओके, देन एंड नो पॉसिबिलिटी ऑफ स्लाइडिंग और एडवर्स सब्सिडेंस.
उसकी जो पॉसिबिलिटी होती है ठीक है स्लाइड होने की और या फिर एडवर्स सब्सिडेंस होने की, वो बहुत ही कम होनी चाहिए, ना के बराबर होनी चाहिए. ओके सो दिस वाज द सेकंड पॉइंट. नेक्स्ट इज द मटेरियल्स यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन शुड बी ऑफ रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स. मटेरियल्स यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन should be of required standards. Okay, ये बताया गया है कि जो material हम power plant को बनाने के लिए use करेंगे for the construction should be of required standards. एक particular required standard का वो material होना चाहिए. Okay, then next point is install a system which can automatically shut the reactor immediately after joints the exceeding or certain level are defected detected. Okay, install a system which can automatically shut the reactor immediately. एक ऐसे system को हमें install करना है जो किसी भी fault के आने पर, ठीक है, जो हमारा reactor है उसको immediately shut down करें. एक ऐसा सिस्टम हमें इंस्टॉल करना है जो ऑटोमेटिकली रिएक्टर को शट डाउन करे आफ्टर द जॉइंट्स एक्सीडिंग सर्टेन लेवल आर डिटेक्टेड. ठीक है, ऐसे जब कोई सर्टेन लेवल ऐसा डिटेक्ट होता है किसी भी फॉल्ट की, तब इन्वायरमेंटल फॉल्ट की, आई एम सेइंग अबाउट द अर्थक्वेक्स एंड द सुनामीज, तो जब इसका लेवल राइज हो जाता है तब रिएक्टर ने ऑटोमेटिकली इमिडिएटली शट डाउन होना चाहिए. ओके, ऑटोमेटिकली या फिर लिख लेती हूँ मैं. ओके सो दिस वॉज दी, लेट्स सी दी नेक्स्ट पॉइंट. शुड हैव अ प्रॉपर सेफ्टी सिस्टम, शुड हैव अ प्रॉपर सेफ्टी सिस्टम, देन प्लांट कुड बी शट डाउन व्हेन रिक्वायर्ड एंड प्लांट कुड बी shut down when required. ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि जो प्लांट शट डाउन करते हैं, सॉरी यहाँ पे बोला गया है कि ऐसे सेफ्टी सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर सेफ्टी सिस्टम होना चाहिए, सो दैट उसमें जो प्लांट है वो इमिडिएटली शट डाउन हो जाए ऑटोमेटिकली. ठीक है, as like as the reactor. Then waste water should be purified. जो waste water होता है इससे निकलने वाला nuclear power plant से, वो purify होना चाहिए, क्योंकि ये जो nuclear power plant का जो waste होता है वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है, बहुत ही ज़्यादा. तो किसी भी तरीके से rural areas में ऐसे type का जो वेस्ट वाटर है वो हम नहीं भेज सकते ऑब्वियसली. तो मीन्स जो रूरल एरिया में रहने वाले जो लोग हैं वो जो पानी कंज्यूम करते हैं उस सोर्स की तरफ हम ऐसा वेस्ट वाटर नहीं भेज सकते. ओके सो वो हमें प्योरीफाई करना है. नेक्स्ट पॉइंट इज डेमॉन्स्ट्रेट द अर्थक्वेक रेजिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियर फैसिलिटीज. जो अर्थक्वेक का सहन करने का जो रेजिस्टेंस होता है उसका हमें डिमॉन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है, चेक करने के लिए, ताकि कौन सी जगह किस तरीके का रेजिस्टेंस दे पाती है. देन यहाँ पे बोला गया है कि अंडरस्टैंड द डिज़ाइन मार्जिन एंड वेरीफाई द वैलिडिटी ऑफ कंप्यूटेशनल कोड्स यूज्ड इन द मेंटेनेंस एंड एनालिसिस ऑफ इक्विपमेंट फंक्शंस बाय अप्लाइंग अर्थक्वेक लोड्स एक्सीडिंग द डिज़ाइन लिमिट टू द एक्चुअल यूनिट ऑफ और अ स्पेसिमेन equivalent to actual unit by using a shaking stable or exciter. यहाँ पे basically बोला गया है कि एक ऐसी design margin होती है ना, वो हमें understand करनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी, और हमें जो भी computational codes होते हैं used in the maintenance and analysis of the equipment, means equipment के जो functions होते हैं, ठीक है, उसका जो मेंटेनेंस होता है और एनालिसिस होता है, ठीक है, उसकी जो वैलिडिटी होती है वो हमें कंफर्म करनी पड़ती है. ओके
यही बोला गया है सिंपली इस पॉइंट में. द नेक्स्ट पॉइंट इज रेगुलर पीरियोडिक चेक्स टू बी परफॉर्म. रेगुलर पीरियोडिक चेक्स टू बी परफॉर्म्ड टू इवैल्यूएट नॉट टू एक्सीड द परमिसिबल रेडियोएक्टिविटी वैल्यू. यहाँ पे बोला गया है रेगुलर पीरियोडिक चेक्स टू बी परफॉर्म टू इवैल्यूएट द परमिसिबल रेडियोएक्टिविटी वैल्यू. ये जो वेस्ट निकलता है या फिर जो रेडियोएक्टिविटी जो होती है वेव्स होती है उसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, पीरियोडिक रेगुलर पीरियोडिक चेक हमें करना पड़ता है एवरी टाइम, ठीक है, टू बी परफॉर्म टू इवैल्यूएट द परमिसिबल रेडियोएक्टिविटी वैल्यू. जो रेडियोएक्टिविटी की वैल्यू है, ठीक है, परमिसिबल रेंज में होनी चाहिए, तो उसका इवैल्यूएशन के लिए हमें रेगुलर पीरियोडिक चेक्स परफॉर्म करने की ज़रूरत होती है. द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाइल डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट इज, जब हम वेस्ट को डिस्पोज करते हैं, इट शुड बी इंश्योर्ड दैट इट डजंट कंटामिनेट द रिवर और सी. इस बात का हमें ध्यान रखना है, वेस्ट शुड नॉट कंटामिनेट इट इन द रिवर और सी, ठीक है. तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें जो रिवर और सी है उसमें ये जो वेस्ट है उसको डिस्पोज नहीं करना है, ठीक है. शुड नॉट कंटामिनेट डिस्पोज. ओके, सो दिस वॉज सेफ्टी एट द कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन स्टेज, ठीक है. तो पहले लास्ट ट्यूटोरियल में हमने ये देखा सेफ्टी एट द डिजाइन स्टेज, और आज के ट्यूटोरियल में हमने देखा सेफ्टी एट द कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन स्टेज, ठीक है. तो इसके साथ हमारा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो चैप्टर है ये खत्म होता है. तो नेक्स्ट टाइम से हम जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है वो स्टार्ट करेंगे. ओके, मैं उस हिसाब से फिर नेक्स्ट यूनिट लूँगी कि कौन सा आपके सिलेबस में गया है और कौन सा आपके लिए सबसे पहले लेना सही होगा. ओके, तो इसीलिए मैं इस ट्यूटोरियल में नाम नहीं ले रही हूँ कौन सा यूनिट, वो हम सीधा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे. ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल.